मलेशिया के पिनांग में संपन्न एशिया पैसिफिक मास्टर गेम में भारतीय बास्केटबॉल महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम में हिमाचल प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी वन विभाग में कार्यरत बबीता कुमारी का प्रदर्शन सराहनीय रहा। बबीता ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलवाई। एशिया पैसिफिक मास्टर गेम अंतर्राष्ट्रीय मास्टर गेम एसोसिएशन के तत्वाधान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की निगरानी में मलेशिया सरकार व IMG द्वारा आयोजित की गई। इसमें 62 देशों ने भाग लिया व 28 खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय टीम जो कि मास्टर्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भेजी गई थी में 201 खिलाड़ियों ने भाग लिया व अच्छा प्रदर्शन किया। देश के लिए 161 पदक जीते हिमाचल में बबीता के प्रदर्शन से खुशी का माहौल है। महिला बास्केटबॉल टीम ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए जापान, मंगोलिया, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को पछाड़कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस गेम में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद जहां बबीता काफी खुश दिख रही हैं, वहीं पर इस बात का भी मलाल है कि ना तो जिला प्रशासन और ना ही उनके विभाग ने कोई स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। बबीता के कहना है कि इस बात पर गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम में वो अकेली हिमाचल प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी हैं। बबीता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम ने जापान, मंगोलिया, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया जैसी नामी टीमों को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा बबीता का कहना है कि अन्य प्रदेशों में जो लोग इन गेम्स में मेडल जीत कर लाते हैं, उन्हें वहां की सरकारों ने या तो प्रमोशन दी है या फिर इंक्रीमेंट लगाई है। इसी के चलते बबीता ने भी प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से मांग की है कि उन्हें भी प्रमोशन इंक्रीमेंट के बारे में सरकार विचार करे। सर, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मैंने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया। वहां पे 64 देशों ने भाग लिया, जिसमें हमारी इंडिया की टीम से, मैं हिमाचल से, वन विभाग से अकेली ही थी। और हमने ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, जापान जैसी टीमों को पछाड़कर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। इसमें मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और ये मौका बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। बबीता जी, तो मैं यही चाह रही हूँ, जैसे पंजाब में भी जो पुलिस विभाग में थे उनको भी प्रमोट किया गया, हरियाणा में भी कईयों को इंक्रीमेंट दी गई, कईयों को कैश प्राइज दिया गया। तो मेरा भी यही कहना है कि अगर विभाग में हमें भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिले तो बहुत ही खुशी की बात है।